तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। रेलवे NTPC CBT फर्स्ट के रिजल्ट पर और फाइनल आंसर की पर RRB भर्ती बोर्ड द्वारा लेटेस्ट अपडेट आ चुके हैं। जितने भी हमारे छात्र NTPC यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी 2021 के CBT फर्स्ट के रिजल्ट का वेट कर रहे थे कैंडिडेट, उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, अंत तक बने रहें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के ठीक नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन जरूर कर लें। आपको बता दें किन शिफ्टों में आप सभी लोगों का जो है 30+ से लेकर 20+ तक सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। और अटेंडेंस का जो है यहाँ पे आप लोगों को बता दिया जाएगा अटेंडेंस कितनी रही है, और साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा टफ जोन है जहाँ पे कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जा सकती है उसको भी बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, महत्वपूर्ण होगी तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों के पास जरूर पहुँचाएं, लाइक करके शेयर भी करें अधिक से अधिक छात्रों के पास। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CBT फर्स्ट का रिजल्ट जो है RRB भर्ती बोर्ड के द्वारा कब तक जारी किया जाने वाला है, और लेटेस्ट अपडेट आ रही है, आप लोगों को इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए क्योंकि जितने भी पॉइंट बताएंगे बिल्कुल सॉलिड होंगे, आप सभी लोगों को बता दिया जाए। सबसे पहला जो अपडेट आ रहा है वो CBT फर्स्ट के रिजल्ट पर आ रहा है। आपको बता दें अधिकतर छात्रों के कमेंट भी आ रहे थे कि भर्ती जो है काफ़ी ज़्यादा डिले हो रही है और कोविड की थर्ड वेव के कारण और भी ज़्यादा डिले हो सकती है, यानी कि इनका कहने का मतलब ये था कि CBT 2 है वो आपका 2022 में होगा, ठीक है, और CBT फर्स्ट का रिजल्ट भी डिले होगा। लेकिन आपको बता दिया है NTPC ने जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने NTPC की आंसर की निकाल के ही सभी को पहले ही चौंका दिया था। NTPC की आंसर की जारी हो चुकी है, फाइनल आंसर की का वेट कर रहे छात्रों के लिए बड़ी अपडेट। आपको बता दें फाइनल जो आंसर की है ये आप लोगों की 15 सितंबर तक जारी होने वाली है, ठीक है, 15 सितंबर 2021 तक आप लोगों को फाइनल आंसर की मिल जाएगी। साथ ही साथ जो आपका CBT 2 का जो रिजल्ट है, ठीक है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 2 का जो आपका रिजल्ट है, ठीक है, CBT फर्स्ट का रिजल्ट है ये दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे 25 सितंबर तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे 3 अपडेटें लगातार बताई गई हैं। आपको बता दें CBT फर्स्ट की फाइनल आंसर की, CBT फर्स्ट का रिजल्ट और CBT 2 की एग्ज़ाम डेट, ठीक है। CBT 2 कब होगा, क्योंकि ये जो मीडिया ने जब बोर्ड के अधिकारियों से पूछा कि यहाँ पे जो है फाइनल आंसर की जो है CBT फर्स्ट का रिजल्ट या CBT 2 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, तो उनके जो आंसर थे कुछ इस प्रकार थे, ठीक है। CBT 2 को यहाँ पे नवंबर के स्टार्टिंग वीक्स में कराने का कहा गया है, तो यानी कि आप सभी लोगों के पास टाइम की तो कमी है ही, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको मतलब कि टारगेट करके आप लोग अपना जो है आगे की तैयारी करें। फाइनल आंसर की 15 सितंबर तक, CBT फर्स्ट का रिजल्ट भी आपको 25 सितंबर तक देखने को मिलेगा, CBT 2 जो एग्ज़ाम है ये आपका नवंबर में होगा, ठीक है। अब इसको स्ट्रेटेजी बना लें अच्छी सी और उसी को फॉलो करें, CBT 2 का एग्ज़ाम नवंबर में होगा। अगला जो है आप लोगों का काफ़ी सारा कमेंट इससे रिलेटेड भी था कि 30 से 40 पे सिलेक्शन होगा, तो आपको बताते हैं हमारे जितने भी छात्र हैं जो गोवा जोन से अप्लाई किए थे, जो माल्टा जोन से अप्लाई किए थे, ठीक है, माल्टा जोन से अप्लाई किए थे, या आप लोगों ने अगर जम्मू जोन से अप्लाई किया, ठीक है, तो यहाँ पे जो तीनों की कट ऑफ है लगातार यहाँ पे देखने को आया कि जितने भी अभी तक NTPC के एग्ज़ाम हुए इन तीनों जोनों में जो है जनरल की जो कट ऑफ है वो 40 से नीचे ही रहती है, ठीक है, 35 से ऊपर 40 से नीचे ही रहती है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो जनरल कैटेगरी वालों का 35+ तक जो है आ रहे हैं आपके, तो यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। और वहीं अगर आप लोग OBC कैटेगरी हैं, ठीक है, OBC कैंडिडेट हैं और अगर आपने इन तीनों जोनों से भरा है तो आपके कम से कम नहीं तो 35+ तक होने चाहिए, ठीक है, और जनरल वालों को 40+ तक, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग SC और ST हैं तो क्रमशः यहाँ पे 32 और 28+ तक होने ही चाहिए सेफ जोन में आने के लिए, अगर आप लोगों के इतने अंक आ रहे हैं, ठीक है, कहाँ से, गोवा जोन से, मालडा जोन से, जम्मू जोन से, अगर आप लोग जनरल कैंडिडेट हैं तो 40+, OBC कैंडिडेट हैं 35 और साथ ही साथ अगर आप लोग 80 ST हैं तो 32 और 28+ तक आपको कट ऑफ जो है क्लियर करने के लिए, ठीक है, इतना अंक तो मिनिमम जो है चाहिए सेफ जोन में भी आने के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग CBT 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो मोटा मोटी ये मान के चले कि 30 से 40 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, तब भी आप लोग जो है CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम 2 की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब काफ़ी सारे छात्रों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि सर जब 20 से 30 या 30 से 40 नंबर पे हमारा जो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, हम लोग CBT 2 दे देंगे, तो क्या 20 से 30 अंक बढ़ भी तो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दें काफ़ी सारे छात्रों के मन में ये डाउट थे, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में इतने अंक बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, तो ऐसा हुआ अगर, ठीक है, तो किसी भी छात्र के साथ ये हो सकता है कि अगर उसके 10 नंबर आ रहे हैं और 30 नंबर का नॉमिनेशन मिला तो 40 मार्क्स हो जाएंगे, माल्टा जोन से उसका 80 कैटेगरी है तो आपको जो है निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तभी ये कहा जा सकता है कि आप लोगों का सिलेक्शन जो है जो आखिरी रहता है, ठीक है, वो आपका नॉमिनेशन पे रहता है, ठीक है। अगर आपके 10 से 15 20 मार्क्स भी आ रहे हैं तब भी आप लोग अगर हार्ड शिफ्ट का पेपर दिए हैं तब भी दोस्तों आप लोग अपना जो है उम्मीद बनाए रखें, CBT 2 की तैयारी करें, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन आखिरी जो फैक्टर होता है ये दोस्तों इसमें किसका गुणा हो जाए,
किसी को पता नहीं, 10 वाला 100 बन सकता है, ठीक है, मतलब इतना नहीं, लेकिन हाँ तब भी यह है कि 15 से 20 नंबर या 20 से 30 नंबर के बीच में बढ़े थे पिछली बार, ठीक है। इस बार जो है नॉमिनेशन का फॉर्मूला भले ही बेशक चेंज हुआ, लेकिन इतना आप लोगों को नंबर तो देखने को मिलेगा, 20 नंबर का जो है मैक्सिमम नॉमिनेशन तक आपको देखने को मिल सकता है हार्ड शिफ्टों में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों के अंक कम भी हैं तो आप लोग अपना हार्ड शिफ्ट में अगर पेपर दिए हैं और कम अंक भी आ रहे हैं तो अभी आप लोग जो है अपना तैयारी करें CBT 2 के लिए, क्योंकि वहाँ पे हार्ड शिफ्ट में आपको अंक जो है एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये है आप लोगों का हार्ड शिफ्ट में कि आपको 20 नंबर तक जो है मिनिमम जो है मिल ही जाना है, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम आपको 20 नंबर का जो है एवरेज मिलेगा हार्ड शिफ्टों में। इसके बाद जो है आपको बता दें बंगलोर जोन का जो कट ऑफ है, काफ़ी सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर बंगलोर जोन का एनालिसिस किया गया कितना कट ऑफ वहाँ का आ रहा है, तो आपको बता दें अगर आप लोग जनरल OBC SC और ST के कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर आप लोगों ने बंगलोर जोन से अप्लाई किया है, बंगलोर जोन से कट ऑफ जानना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको कम से कम CBT फर्स्ट क्लियर करना है, ठीक है। आपको बता दें सबसे पहले अगर आपको पता नहीं है कि CBT फर्स्ट में जो है आप लोगों 8 लाख छात्रों को क्या करना है, पास किया जाना है, ठीक है, 8 लाख छात्रों को क्या पास किया जाना है, ठीक है, जिससे ये एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि यहाँ पे जो है आप लोगों का कट ऑफ जो है आपका CBT फर्स्ट के लिए यहाँ पे जो है कट ऑफ कम ही जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग जनरल कैंडिडेट हैं तो अगर आप लोगों के 58+ तक बनना है तो आप लोग जो है बेंगलोर जोन से सिलेक्शन ले सकते हैं, सेफ जोन में आते हैं, ठीक है, आप लोग अपना CBT 2 की स्टार्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग जनरल कैंडिडेट हैं, आप लोगों के 58+ आ रहे हैं, तो आप लोग क्या है CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को CBT 2 की तैयारी करने के लिए कम से कम जनरल कैटेगरी वालों को 58+ बेंगलोर जोन से करना ही करना है स्कोर, ठीक है। अगर हम OBC की बात कर लेते हैं, अगर आप लोग OBC कैंडिडेट हैं 54+ तक आपको स्कोर करना है सेफ जोन में आने के लिए CBT 2 का एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। ये जो भी कट ऑफ बताई जा रही है ये पूरा एनालिसिस प्रॉपर एनालिसिस करके ही बताई जा रही है, यानी कि ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं सामने ये ऐसे ही नंबर नहीं है, ठीक है, ये छात्रों के अंकों का एवरेज है, तो आप लोग इसको ऐसे ही लेके ना चले, आप लोग अपना जो है इसको आधार बनाए अपनी तैयारी का, ठीक है। CBT 2 की अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं और अभी भी आप लोग सस्पेंस में थे, ठीक है, कि क्या होगा कि नहीं होगा, तो आप लोगों के अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो आप लोग आराम से अपना जो है तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, CBT 2 की सेफ जोन में आप लोग आते हैं। तो यहाँ पे आपको बताते हैं नॉर्मलाइज स्कोर बताया जा रहा है, बढ़े हुए मार्क्स, अगर आप लोग SC और ST के छात्र हैं वहीं पे, तो वहाँ पे आपको 50+ और 48+ तक स्कोर करना ही करना है, इतना मार्क्स आप लोगों को अगर आ रहा है बेंगलोर जोन से, तो आप लोग अपना जो है CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये CBT 2 जैसा कि हमने आपको बताया कि नवंबर के फर्स्ट वीक तक जो है होने के चांसेस लग रहे हैं, और आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, फाइनल आंसर की जो है आपको 15 सितंबर तक आ जाएगी, इसके बाद तो लगभग साफ हो जाएगा, लेकिन फाइनल आंसर की बात सीधा कट ऑफ आप लोगों को 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगी।